हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो कॉटन विक मेकिंग मशीन जो कि आपको वीडियो में दिख रही है। और इस मशीन के साथ है हमारे पास कुछ स्पेयर पार्ट। तो बहुत सारे लोग क्या है मशीन परचेज करते हैं कहीं से भी, और बाद में मशीन वगैरह ख़राब हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि स्पेयर पार्ट है मशीन का अवेलेबल नहीं हो पाता किसी किसी को। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो मेरा नाम है दोस्तों अक्षय, और आप देख रहे हो अंबिका प्रोडक्ट्स। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से मशीन वगैरह परचेज करता है तो हम उसे स्पेयर पार्ट के तो कमी कभी महसूस होने ही नहीं देते। बाई चांस अगर कुछ भी ख़राब होता है तो हम विद इन डेज भेज देते हैं। अगर आपने कहीं और से मशीन ली है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ डीलर सामान नहीं भेजते या उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता। तो जैसे मशीन में क्या ख़राब होता है मेनली, तो मशीन में एक तो बेल्ट ख़राब होती है, तो आज हमारे पास बेल्ट भी है, ड्रॉप पिन और एलन की सुई वगैरह, डाई वगैरह, और ये पुली वगैरह, जो मशीन का मदरबोर्ड, एक बोर्ड और भी आता है मशीन का, ये लिमिट स्विच, टाइमर, ये पेच है एलन की के, और ये कुछ वैसा सामान है, ये आपका क्लैंप वगैरह, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पेंच वगैरह फंस जाए, तो हमारे पास मशीन का सारा स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। अगर आपको मशीन की बेल्ट ख़रीदनी है, टाइमर ख़रीदना है, ये लिमिट स्विच जो आपने मशीन में देखा भी होगा, हमारे पास ये अच्छी क्वालिटी का है। या ड्रॉप पिन ख़रीदनी है, ये नीचे गिराने वाली पत्ती, या फिर सुई ख़रीदनी है, या आपको एलन की ये कसने वाली या खोलने वाली एलन की वगैरह चाहिए हो, जो भी आपको सामान चाहिए हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करो और बात करो, रेट पता करो और मंगाओ। अगर बिजनेस रिलेटेड कोई भी बात हो आपको करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको न्यू मशीन परचेज़ करनी है तो हमारे यहाँ से मशीन भी परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही जेन्युइन प्राइस में। अभी फ़िलहाल इस मशीन का प्राइस 16,000 है। अगर आप मशीन परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कहीं पर आपने अगर कितने प्राइस है, कोई 25, कोई 30, पर वो सब धांधलेबाजी यहाँ पर नहीं है। आपको 16,000 की मशीन मिलेगी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।